किसी की है तो वो हाइड्रो के क्षेत्र में है। और राज्य की जो अवधारणा शुरू में ये राज्य बनने से पहले लोग सोच रहे थे कि इस राज्य में क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा पर्वतीय राज्य हिमालय का राज्य है, यहाँ खेती बाड़ी भी कम होगी, ये भी कम होगा, तो इसका मूल आधार क्या होगा। तो इसके मूल आधार में दो चीज़ें रखी गई थी, एक तो जहाँ हाइड्रो पावर को रखा गया था, वहीं जो हमारा धार्मिक पर्यटन जिसको लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं, शांत वातावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, ये सब इसकी अवधारणा में थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे हम इसमें सभी में संतुलन बनाते हुए, कहीं ऐसा ना हो जैसे जिसके लिए आप यहाँ पर लगातार चर्चा करने वाले हैं कि हम कई बार विज्ञान ने हमारे काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ी है, अनुसंधान बढ़े हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस बार उसमें अनुसंधान जोड़ा ही है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल जी ने जोड़ा था और जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ दिया। तो अनुसंधान लगातार बढ़ता रहे, अनुसंधान होता रहे, ये हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज के समय में जिस प्रकार से जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं उनका जो दोहन किया जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमको सुविधाएं मिल रही हैं, भौतिक साधन मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चुनौती भी हमारे सामने खड़ी हो रही है। चुनौती यह है कि अभी अचानक कभी भूस्खलन आ जा रहा है। वैसे तो हम तो ऐसे राज्य में हैं कि ये हमारे लिए प्रत्येक वर्ष की जो है चुनौती है, प्रत्येक साल ये होता ही है, लेकिन अचानक अभी कलाचंद जी एक दिन मुझे वहाँ घूमते हुए मिले, यहाँ देहरादून में आपदा आ गई। आप विश्वास कर सकते हैं कि ये जितना बड़ा ये मकान है, ये इसकी पहली मंजिल है जहाँ हम सब बैठे हैं, इतने ऊपर तक जमीन से ऊपर इतना पानी आ गया एकदम से। और मैं खुद उस स्पॉट पर गया, बल्कि उस दिन हम जा भी नहीं पा रहे थे, वहाँ कार नहीं जा पा रही थी, तो हमने कहा कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, यहाँ क्या हो सकता है। तो जाने के लिए हमने काय का उपयोग किया था पता है, कार नहीं जा पा रही थी तो हमने कहा कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या हो सकता है। तो जाने के लिए हमने काय का उपयोग किया था पता है, कलाचंद जी नहीं, वो क्या है, जेसीबी में बैठ के गए थे, जेसीबी में जा पाए। तो इसमें बादल फटना है, भूकंप है, अभी अभी मैं पिथौरागढ़ में था अभी 3 दिन पहले, तो 9:30 के बीच का टाइम होगा, तो कुछ लोग बाहर बैठे थे, मैं अपने रूम पर ही आया था अंदर गेस्ट हाउस में, वहाँ फॉरेस्ट के अचानक पूरे दरवाजे दरवाजे सब हिलने लगे एकदम से, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, तो मैं तो समझ गया कि ये भूकंप है। वो लोग कह रहे हैं कि कुछ बर्तन बज रहे हैं आसपास, मैंने कहा बर्तन नहीं बज रहे, बाहर देखो निकल, तो भूकंप आया। तो इसमें भी हम लोग चाहूंगा कि भाई हमारे यहाँ पर दो चीजें, एक तो ये हर साल आने वाली आपदा, आप सब अन्य आपके जो विषय है हिमालय का विज्ञान ये सब तो आप जो है करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस पर भी चर्चा हो, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि उस पर कैसे हम उस नुकसान को कम कर पाए। भूकंप रोकना तो हमारे हाथ में नहीं है, आपदा रोकना भी नहीं है, लेकिन उससे पहले हम सचेत हो जाएं, सावधानी बरत लें और कैसे हम बचाव कर पाए, तो उस पर भी हमारी चर्चा हो तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सार्थक होगा। और अभी 2 दिन पहले जापान का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत सारी संभावनाओं पर यहाँ हमसे बात करने के लिए आया था, उनके एम्बेसी से लेकर सारे लोग आए थे, उनके एम्बेसडर, तो उनसे भी मैंने कहा आपके यहाँ जापान में तो भूकंप को लेकर काफ़ी सारी तकनीक बनाई गई हैं। तो बोले कि नहीं, हम तो पहले आपके यहाँ काम करने के लिए आए, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में और फार्मा के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के
क्षेत्र में हम काम करने के लिए आए। मैंने कहा ये तो सब आपके एजेंडे में है, इस एजेंडे में मेरा एजेंडा भी जोड़ लीजिए कि ये एजेंडा है डिजास्टर और ये हमारा भूकंप अर्थक्वेक, दो चीज़ें आप जोड़िए और इस पर भी जो है थोड़ा आप लोग काम करिए, अपनी तकनीक को लाइए। आज हम सभी जानते हैं कि बाडिया संस्थान हमारा हिमालय पर्वतों के भू विज्ञान को समझने और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देकर जो प्राकृतिक जो आने वाले डिजास्टर हैं उनको निरंतर कम करने के लिए इस पर काम करता रहेगा और तमाम प्रकार से जो आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग कर वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर विकास के कार्य कर रहा है, आज यहाँ पर उपस्थित सभी में आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो विशेष प्रकार की जो भी प्रणालियाँ हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। हिमालय की परिस्थिति की को यहाँ के इकोलॉजी को नुकसान पहुँचाए बिना हमारे क्षेत्रों का विकास जो हमने अपनी प्राथमिकता रखी है उसमें आप सब का भी हमें मार्गदर्शन चाहिए और आप सबकी मदद चाहिए और आप इसमें हमारी मदद कर सकें तो मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आती हैं जब मैं आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ। लगातार जल स्रोत जो जल का हमारा स्तर है नीचे जा रहा है। पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले हमारे से जी पहले, तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय में मैं देखता था किसी रोड पर निकल जाइए, एक तरफ से निकल जाइए तो तमाम जगह पर पानी के स्रोत मिल रहे हैं, कहीं से नॉलेज, नॉलेज कम लोग समझ पाएंगे यहाँ, नॉलेज जो नाले जैसे जिसको बोलते हैं लगातार पीने वाला पानी, धारे कहीं पर भी, हाँ वो कहीं पर भी मिल जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। मैं तो अभी भी जाता हूँ तो रुक के जो है पानी पी लेता हूँ वहाँ पर जाके, नौले धारे पानी के जो है स्रोत ये सब धीरे 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 कम हो गए। अब आप लोग बता रहे होंगे, पता नहीं आप लोगों के इसमें भी आएगा, ग्लेशियर भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा हर साल जो है उसमें भी कमी आ रही है, तो इन सब से कैसे निपटा जाए। अभी यहाँ तो हम लोग बड़े सुखी हैं, कई बार हम सोचते हैं, मैं सच बताऊँ तो आप लोगों से मैं मन की बात करवाऊँ, अभी मैं दिल्ली जाता हूँ, अब दिल्ली में जाएंगे आजकल तो बाहर निकलना मुश्किल है। क्या बुरा हाल था, अभी तो दिवाली के बाद मैं गया था सूरज कुंड में, एक अधिवेशन था हमारा पूरे देश के लोगों का, तो निकलना भारी था, लोग कह रहे थे कि अभी तो वॉक करना छोड़ रखा है हमने, शायद अब कम हो गया होगा, कोई दिल्ली से आए तो मुझे बताया कि अभी दो तीन दिन पहले कुछ वहाँ बूंदाबांदी हुई है तो उससे कुछ असर पड़ा है। अब हम ये सोचें कि आज दिल्ली में ये हो रहा है, अरे हम तो देहरादून में हैं, उत्तराखंड में, हम सुखी हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर दिल्ली में हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ उसका असर न पड़े। और ऐसे ही जब कई बार डिजास्टर आता है तो लोग सोचते हैं कि अरे उत्तराखंड में आया हुआ, उत्तरकाशी में आ गया, चमोली में आ गया, केदारनाथ में आपदा आ गई, धारचूला में आ गई या नैनीताल में आ गई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जरूर पड़ेगा, अगर यहाँ होगा तो उसका फर्क कहीं ना कहीं घूम फिर कर यहाँ भी पड़ेगा, इसलिए इस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, आज प्रदेश हमारा एक में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार जल स्रोत जो जल का हमारा स्तर है नीचे जा रहा है, हम इसमें भी रखी थी कि बिन पानी सब सून, पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले हमारे से भी पहले, तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, इस क्षेत्र
मैं काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार जल स्रोत जो जल का हमारा स्तर है नीचे जा रहा है। पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले हमारे से भी पहले, एक से एक बढ़कर। तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 20 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार जल स्रोत पर मैं जो जल का हमारा स्तर है, खड़क सिंह बल्दिया जी को भी उनका भी स्मरण करना चाहता हूँ। जा रहा है पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले हमारे से भी पहले, और अब मैं जाता हूँ जैसे यहाँ पे बहुत अपना योगदान दिया है, बड़ा काम किया है। और मैंने चूंकि बचपन से ही मैं उनका नाम सुनता रहा, बाद में मुझे भेंट करने का अवसर मिला तो मैं एक बार बंगलौर भी गया था, बंगलौर में भी मिला, और यदा कदा वो फोन पर भी अक्सर बात किया करते थे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज नया भारत जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रहा है, ये यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इसके अगर मूल में कोई है तो आप सब लोग हैं, हमारे सारे वैज्ञानिक हैं जो इसका मूल आधार है, जो भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से हम सभी के द्वारा, आप सभी के द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में 20 साल 35 साल जो 40 साल कीर्तिमान स्थापित थे हम लोग, उस समय आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार जल स्रोत जो जल का हमारा स्तर है नीचे जा रहा है किए गए, पहाड़ों में हम जाते थे पहले, उसी का प्रतिफल है कि आज बहुत गए होंगे हम सभी पहले। तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार जल स्रोत जो जल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पहाड़ों में हम संकल्प पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले हमारे से भी पहले। तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, एक भारत श्रेष्ठ भारत आप सब उसको बनाने में तेजी से वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार जल स्रोत जो जल का हमारा स्तर है नीचे जा रहा है। पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले हमारे से भी पहले। तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार जल स्रोत जो जल का हमारा स्तर है नीचे जा रहा है। पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले हमारे से भी पहले। तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में आता हूँ, लगातार जल स्रोत जो जल का हमारा स्तर है नीचे जा रहा है। पहाड़ों में हम जाते थे पहले, डिमरी जी आप तो बहुत गए होंगे पहले हमारे से भी पहले। तो अब मैं जाता हूँ जैसे आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जब छोटे छोटे थे हम लोग, उस समय आप सब वैज्ञानिकों के बीच में आता हूँ, इस क्षेत्र